सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। पीरियड्स अगर आपके टाइम पर नहीं आ रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि पीरियड्स जल्दी आ जाएं, तो उसके लिए आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको एक मेडिसिन भी बताऊंगा जिससे आप अपने पीरियड्स को जल्दी ला सकते हो। तो वेलकम बैक गाइस टू पासी चैम चैलेंज, और बिना किसी डिले के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, वैसे तो पीरियड्स के डिले होने के, देरी से आने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, और ऐसी मेडिसिन भी हैं जिसके यूज़ करने पर आप अपने पीरियड्स को जल्दी ला सकते हो। तो पहले तो मैं आपको कुछ कारणों के बारे में बता देता हूँ, फिर मैं आपको मेडिसिन के बारे में बताऊँगा। तो गाइस जो पहले नंबर का कारण है वो है, अगर आपको हार्मोन्स इम्बैलेंस रहते हैं, अगर आपको PCOS या फिर PCOD की प्रॉब्लम है, या फिर आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है। दूसरी कंडीशन है, अगर आप ज़्यादा तनाव में रहते हो, ज़्यादा स्ट्रेस में, एंजाइटी में रहते हो, ऐसी कंडीशन में भी आपके जो पीरियड्स हैं वो डिले हो सकते हैं। ओवल्यूशन ही नहीं होता है फीमेल्स को एंजाइटी स्ट्रेस के कारण, अब अगर ओवल्यूशन नहीं होगा तो आपको आपके पीरियड्स नहीं आएंगे। और जो तीसरे नंबर पर है वो है ब्रेस्ट फीडिंग मदर। क्या होता है गाइस कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम आपका जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो ज़्यादा हाई रहता है। अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा हाई रहेगा तो आपके जो पीरियड्स हैं वो अब्सेंस होंगे। और अगला कारण है ज़्यादा एक्सरसाइज करने पर, अगर आप ज़्यादा हद से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो तो आपका जो इस्ट्रोजन लेवल है वो फ्लैक्चुएट होता है, जिसके चलते आपको आपके पीरियड्स देरी से आ सकते हैं। अगला कारण है, अगर आपका इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, अगर आपने सिटी चेंज की है या फिर आपने कंट्री चेंज की है, तो उसके चलते भी आपके हार्मोन्स ज़्यादा फ्लैक्चुएट होते हैं, जिसके चलते आपके पीरियड्स डिले हो सकते हैं, देरी से आ सकते हैं। और अगला कारण है, अगर आपने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ली है या फिर आपने सिंगल टाइम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ली है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपके पीरियड्स मिस हो सकते हैं, वो टाइम पर नहीं आते। तो गाइज ये तो कुछ कारण थे जिनके कारण आपके पीरियड्स टाइम पर नहीं आते हैं। आगे बात करते हैं उन उपायों के बारे में जो आप घर पर कर सकते हो, और आगे जानेंगे मेडिसिन के बारे में जिसके यूज़ पर आपको श्योर है कि आपके पीरियड्स आ जाएंगे। तो चलिए पहले घरेलू उपाय को जान लेते हैं। तो गाइस जो पहले नंबर पर घरेलू उपाय है वो है पपीता। अगर आप अच्छी मात्रा में पपीते को खाते हो तो आपके पीरियड्स टाइम पर आ जाते हैं। दूसरा है अदरक वाली चाय, अगर आप अदरक वाली चाय को पीते हो तो भी आपके पीरियड्स आ जाते हैं। तीसरे नंबर पर है हाई मात्रा में साइट्रस फ्रूट को लेना। अगर आप सीजनेबल फ्रूट जूस लेते हो जो ताज़े हो, पैकेट वाले की बात नहीं करें, यहाँ पर ताज़े फ्रूट जूस की बात करें, जो साइट्रिक फ्रूट जूस होते हैं जिनमें विटामिन सी ज़्यादा होती है, अगर आप इन जूस का यूज़ करते हो दिन में 4 बार तो भी आपके पीरियड्स आ जाते हैं। अगला है हल्दी वाला दूध। अगर आप रात के समय हल्दी वाला दूध पीते हो और ऐसा 5 से 7 दिन तक करते हो तो भी आपके पीरियड्स आ जाते हैं। लेकिन अगर आपने ये सभी उपाय कर लिए हैं और आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो आप मेडिसिन का भी यूज़ करके अपने पीरियड्स को ला सकते हो। तो मेडिसिन का नाम है मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोन, 10 mg की ये टैबलेट होती है, और इसके इंडिया में कुछ पॉपुलर ब्रांड्स भी हैं जैसे मैप्रेट 10 mg या फिर डेवरी 10 mg। और अब बात करते हैं इस टैबलेट को कैसे लेना होता है। तो गाइस इस टैबलेट को सामान्यतः दिन में 2 बार 10 mg की डोज होती है, और आपने सामान्यतः इसको दिन में 2 बार लेना होता है, खाना खाने के बाद, पानी के साथ में। खाना खाने के बाद ही लेना क्योंकि इससे स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है, और इसे पानी के साथ ही लेना होता है। और इसकी जो कोर्स है इस टैबलेट को लेने का वो 5 दिन का होता है। 5 दिन आपने सुबह शाम लेना है इस टैबलेट को, और जब आप इस टैबलेट का कोर्स पूरा कर लोगे तो आपको 1 से 10 दिन के अंदर आपको आपके पीरियड्स आ जाते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिट रखती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो गाइज मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।